चैनल और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान में छिड़ गया है सिविल वार। जिस तरह से सेना और पुलिस आक्रामक है, यानी कि एक दूसरे को मिटाने पर तुली हुई है, पूरी एक सुलझी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बस आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब भारत को क्या मिटाएगा, पाकिस्तान अब खुद ब खुद अपने हाथों मिटा जा रहा है। कभी सेना और आतंकवादियों के बीच में लड़ाई होती है, तो कभी पुलिस कर्मी और सेना के बीच में। क्या यही पाकिस्तान है? क्या यही पाकिस्तान का संविधान है? आखिरकार वजह क्या है? किस वजहों से आज पुलिस सेना पर हमला कर रही है और सेना पुलिस पर हमला हो रही है, ये वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बस आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने सिंध पुलिस चीफ को किया है अगवा। पुलिस ने की बगावत, सिविल वॉर की है वाहट। पाकिस्तान में सेना और पुलिस के बीच ठन गई है। आरोप लगे हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों ने सिंध के पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया है, जिसके चलते सेना प्रमुख के मामले की जांच के आदेश देने पड़े। यही नहीं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से मुस्तैद है पुलिस, किस तरह से मुस्तैद है सेना। यानी कि एक आदेश पर सेना पुलिस को मिटा सकती है और पुलिस सेना को। देखना यह है कि जीत किसकी होती। मैं बड़ाई नहीं करूँगा ना तो पाकिस्तानी सेना की और ना ही पाकिस्तानी पुलिस की, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और पाकिस्तानी की बड़ाई नहीं कर सकता। भले ही बात सेना की हो, लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तानी सेना की बड़ाई हरगिज नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं पाकिस्तानी पुलिस की। तो इसीलिए अगर लड़ते हैं तो इनको लड़ने ही देना चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंदा रहे तो हमारे ऊपर ही हमला करें। चलिए बता दूँ आपको पूरी खबर विस्तार से, और हाँ अभी मैं आपको एक स्लोज वीडियो भी दिखाऊंगा, बस आप वीडियो के अंत तक रुकने का प्रयास करें। पाकिस्तान में सेना और पुलिस के बीच ठन गई। आरोप लगे हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों ने सिंध के पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया है, जिसके चलते सेना प्रमुख को मामले की जांच के लिए आदेश देने पड़े हैं। हालांकि ये आदेश उन्होंने पाकिस्तान में फैले भारी तनाव के कारण दबाव में आकर दिए हैं। खबरों के मुताबिक कथित तौर पर सिंध पुलिस प्रमुख का अपहरण कर उन्हें PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है। उसके बाद कराची में पुलिस अधिकारियों ने पुलिस चीफ के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी दी है। बता दें आपको पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद के सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों, पुलिस और सेना के बीच चल रही तानातनी के साथ पाकिस्तान में तेजी से गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। सिंध पुलिस ने सोमवार को मरियम नवाज शरीफ के पति और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद को सफदर अमान को कराची के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया था। यह गिरफ्तारी पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM की एक विशाल रैली में PMLN की उपाध्यक्ष मरियम द्वारा इमरान खान सरकार की आलोचना करने की कुछ देर बाद हुई थी। PDM हाल ही में बना गठबंधन है, जिसमें 11 विपक्षी राजनीतिक दल शामिल हैं और वे पाकिस्तानी सेना समर्थित इमरान खान सरकार को चुनौती देने के लिए एक साथ खड़े हैं। बाजवा ने दिए गिरफ्तारी की जाँच के आदेश। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी यानी PPP के चेयर पर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी के एक ट्वीट में इस घटना के बारे में सेना और INI के आरोप लगाए हैं। इसके बाद पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सफदर अवान की गिरफ्तारी के लिए जांच के आदेश दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में बिलावल के हवाले से कहा गया है कि सफदर की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले सिंध के पुलिस प्रमुख का पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया विंग ने अपहरण कर लिया था। इतना ही नहीं, बिलावल ने जोर देकर कहा था कि पाकिस्तानी सेना ने सिंध पुलिस पर सफदर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला था। वही डॉन न्यूज़पेपर ने बताया कि PMLN नेता और सिंध के पूर्व गवर्नर मोहम्मद जुबैर का एक कथित वॉइस मैसेज एक पत्रकार ने साझा किया है, जिसमें जुबैर आरोप लगा रहे हैं कि सिंध के पुलिस महानिरीक्षक मुस्ताद महार का अपहरण कर लिया गया था
और उन्हें मरियम उनके पति समेत 200 अन्य लोगों के खिलाफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र की पवित्रता का उल्लंघन करने के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था। यही नहीं बल्कि इस बीच बुधवार 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में कराची में 4 मंजिला इमारत में बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि यह विस्फोट गुलशन इकबाल में कराची विश्वविद्यालय मस्कन गेट के सामने की इमारत में हुआ था। इसी के आरोपों के बाद लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और सेना अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वहां के पूर्व प्रधानमंत्री के दामाद को पुलिस बिना वारंट के होटल में घुसती और दरवाज़ा तोड़कर उनको गिरफ्तार कर लेती है, और आज सेना ने सिंध पुलिस चीफ के को अगवा कर लिया। सोचिए साहब, सिंध पुलिस के चीफ को अगवा कर लिया, उसके बाद पुलिस बौखलाई हुई है। उसके बाद पुलिस ये चाहती है कि कितनी जल्दी हम सेना को मिटा दें, और सेना ये चाहता है कितनी जल्दी हम पुलिस को मिटा दें। तो डॉन के द्वारा जो खबरें छापी गई हैं उस पर विश्वास करें या जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उस पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास की बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान का आतंकवाद और पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जितने भी आला अधिकारियों में बात करूँ सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी गाइडलाइन है। वहाँ पे ना संविधान, ना प्रधान, ना प्रावधान, यानी किसी भी तरह का कोई नियम चलता नज़र नहीं आता। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान का ही आतंकी पाकिस्तानी सेना पर हमला ना करता। या तो पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को मिटाना चाहती है या आतंकवादी सेना को मिटाना चाहते हैं। ये तो आपने सुना है कि सरकार जो है वो पाकिस्तान की सेना चलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शक होता है, कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि क्या पाकिस्तान का आतंकवादी सरकार चलाता है, क्योंकि इमरान खान पूरे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं लेकिन एक भी अपने आतंकी को मरवाना नहीं चाहते। आखिरकार किसी अन्य देश में कोई आतंकी संगठन पल रहा हो, अगर वहाँ के प्रधानमंत्री या वहाँ के राष्ट्रपति को ज़रा सा भी भनक लगती है तो वो किसी न किसी हमले कराकर उस आतंकी संगठन को हटा देते हैं। लेकिन यही सोचिए आप पाकिस्तान में आतंकी संगठन है ISIS जैसे कितने भी बड़े आतंकी संगठन हैं, लेकिन किसी भी आतंकी संगठन पर हमला नहीं होता। कहीं ना कहीं सरकार सेना के साथ कम, देश की जनता के साथ कम, बल्कि आतंकवादियों के साथ ज़्यादा मिली हुई है। तो इस वीडियो में मैं समाप्त कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ वीडियो को शेयर करेंगे, बन रही है ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।